नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रॉनिक। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आज 15 जुलाई है और टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं। तो एक शेयर और मैं लेके आया हूँ ऐसा कि इसमें अभी भी अप बाइंग करके क्या इसमें पैसा और बनाया जा सकता है कि ये सही समय इसमें बाय करने का, चलिए देखते हैं। शेयर का नाम है स्टार सीमेंट लिमिटेड, कंपनी है, ठीक है। स्टार सीमेंट के नाम से कंपनी NSE और BSE पे ट्रेड करता है। तो बेसिकली आज 15 जुलाई, आप देख लेते हैं आज ये क्लोज़ हुआ कितने पे। ये 0.64% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ आज, ठीक है। ओपन होता है 111.5 पैसे पे, हाई मारता है 111.20 पैसे का, 109 का लो मारता है, और इसका 52 हाई है 117 और 52 लो है 75 रुपये। तो ये तो ओवरव्यू होगा कंपनी का, शेयर का, कि शेयर पिछले 52 वीक में 52 और आज के ट्रेडिंग में कितना गया। चलिए देखते हैं शेयर के अंदर और भी क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसे बाय करना चाहिए नहीं, ये भी देख लेते हैं क्या इसमें अब भी अप ट्रेंड आना बाकी है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार सीमेंट का मैं NSE की साइड पर चला गया। आज 15 तारीख का हम देखते हैं, 15 तारीख के अंदर इसके अंदर कैसा ट्रेडिंग हुआ है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए टोटल 2 लाख क्वान्टिटी का ट्रेड हुआ है, जिसमें से 1 लाख ट्रेडिंग इसने यानी डिलीवरी उठाई गई 1 लाख शेयरों की। तो वो परसेंटेज वाइज देखें तो 51.81% इसमें डिलीवरी उठाई गई, कितनी हाईली, यानी कुछ शेयर होता है जो हमारी नॉलेज से बाहर रहते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करें मगर हमारा ध्यान नहीं जाता, या हमारे पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होते, या किसी चीज़ के कारणवश हम लोग या हमारी वॉच लिस्ट में नहीं होते हैं। तो स्टार सीमेंट का ये शेयर देखिए आज 51% की यानी कि होल्डिंग करके लोगों ने बंद किया इसको। अब मैं दिखाता हूँ आपको, स्कैनर साइट पर गया हूँ मैं, तो ये देखिए कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कर्जा फ्री है। समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी सर्वाइव करेगी तो कर्जा फ्री है। और देखिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर रखा है, यानी जो भी इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी सीमेंट होता था बाहर से आता था वो बंद हो चुका है। अब जितनी भी इंडियन कंपनी है उनके उनके यानी कि अब कंस्ट्रक्शन खुल रहा है, धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी सीमेंट्स की। तो आप देख सकते हैं कि भाई जो मेक इन इंडिया पे काम कर रही है अब गवर्नमेंट, यानी कि इंपोर्ट तो कर रही नहीं है सीमेंट को, तो इंपोर्ट नहीं करी तो जो इंडियन कंपनी है उनको बिजनेस मिलेगा, उनको कारोबार मिलेगा, तो उनके बुक वैल्यू के अंदर यानी कि उनके ऑर्डर बढ़ेंगे तो उनकी बुक वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो भाई एक वो हो गया कि ओवरव्यू कि भाई अब बाहर से सीमेंट नहीं आ रहा, वह जो हिंदुस्तानी कंपनी है वही अपने सीमेंट को अपने हिंदुस्तान में डिलीवर करेंगी। अब स्टार मैं टिकट टेप के साइड पर आ गया हूँ, देखिए कंपनी का देखते हैं। देखिए ये क्वार्टर वाइज कंपनी देखिए कितना अच्छे रिजल्ट दे रही है, ईयर वाइज ठीक है। ईयरली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, कर्जा फ्री है, ठीक है। 3 चीज़ तो क्लियर है भाई, कोई भी कंपनी हो कर्जा फ्री हो वो ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ होना बहुत पक्का है, ठीक है। तो ये हो गया स्टार सीमेंट ने, देखिए 9% का ईयर बाय ईयर प्रॉफिट दिया था है, क्वार्टरली भी अच्छा प्रॉफिट दे रही है कंपनी, ठीक है ना। और इधर देखिए इसका पी रेट 24.10 पैसे है, ठीक है। सेक्टर वाइज भी सही है इसका पी रेट, ठीक है। कंपनी ओवरव्यू से हिसाब से अच्छी है, सीमेंट का आपको बताना नहीं पड़ेगा। देखिए इसने पिछले 1 वीक में कितने रिटर्न दिया वो देख लेते हैं, अभी माइनस में दिया है क्योंकि अभी भगा ही नहीं है, पिछले 1 मंथ में इनने माइनस में यानी कि अभी पूरी तरह भगा नहीं है क्योंकि अभी भगने को तैयार बैठा अभी है, क्योंकि इसमें जितनी भी करेक्शन होनी चाहिए सारी हो चुकी हैं अब, ठीक है। अब मैं स्टार सीमेंट के चार्ट पे ओपन कर लिया, देखिए मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है, ठीक है, इसका RSI सही चल रहा है, ये यहाँ पे ये क्रॉस ओवर करेगा तो यहाँ पे अगर हमें गिरावट मिलेगी, अगर ये आपको देखते इसमें वॉच लिस्ट में डालिएगा, अगर ये आपको 100 रुपये से 90 से लेकर 110 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली जितनी इसमें गिरावट उसने बाय करी है, जिस दिन इसमें बूम आएगा एकदम तेज़ी से भागेगा। इसके अंदर जो मेरा पहला टारगेट आएगा वो आएगा 115 का, दूसरा टारगेट 120 का, तीसरा टारगेट मेरा 130 का सीधा, ठीक है। 3 टारगेट लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इन्वेस्ट करेंगे, 3 महीने का टारगेट लेके चले गए, 3 महीने में 130 दिखाएगा हमारे को अल्टीमेटली, क्योंकि चार्ट में करेक्शन के साथ बढ़ रहा है, हर बार ये करेक्शन करता है, ऐसा नहीं है अपर सर्किट लग रहा लगाता है, बस हर बार करेक्टिव होकर फिर बढ़ता है, करेक्टिव होकर फिर बढ़ता है, और ऐसे ही शेयर बढ़ते हैं जो कंपनी कर्जा फ्री होती है, जिनके शेयर करेक्शन होकर बढ़ते हैं, क्योंकि बाय सेल होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई होल्ड नहीं कर रहा है बट आप लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से बाय करके होल्ड करिए और इसमें देखेंगे आप, इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ठीक है, ये यहाँ पे आपको अगर ये 108 पे फिर से सपोर्ट लेके अब ट्रेंड की तरफ भागता है,
यानी कल का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, अब कल ये भागा तो डेफिनेट इसमें और भी अब ट्रेंड आएंगे। पहला टारगेट मेरा 115, दूसरा टारगेट 120, तीसरा टारगेट मेरा 130। इन तीन टारगेट लिए आप बाय करिए, होल्ड करिए, ठीक है। स्टार सीमेंट का पोर्टफोलियो कंपनी अच्छी है, आप देखें सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, अनलॉक होगा और चार्ट के अकॉर्डिंग भी सही है। चार्ट पर सपोर्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन लेगा 108 से, अगर सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली अब ट्रेंड तक भागेगा, ठीक है। तो हमें इसमें वेट एंड वॉच करना है अपन को, तो वेट एंड वॉच के साथ अपन होल्ड करेंगे, देखेंगे कि भाई और भी क्या अप ट्रेंड आएगा नहीं आएगा। तो इसके अंदर बस हमारे को पेशेंस साथ बने रहना है, बाय करके होल्ड करो। कंपनी अच्छी है, शेयर अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है और कंपनी का शेयर करेक्शन होकर अप ट्रेंड की तरफ भाग रहा धीरे धीरे। तो आई होप ये वीडियो अगर आपके यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।